फार्मेक ब्रांड होंडा GX 2535 20 लीटर 708 नैपसैक पावर स्प्रेयर। ओपन करने के बाद अंदर स्प्रेयर विथ इंजन टैंक कंप्लीट असेंबली, लांस गन, ये फिल्टर है इसके अंदर में, टैंक में टूल किट, होज पाइप डिलीवरी पाउच आता है, गारंटी वारंटी कार्ड, यूज़र मैनुअल, गन हैंडल, टूल किट है, गन है, ये केमिकल टैंक जो है ये 20 लीटर का केमिकल टैंक है, नीचे पेट्रोल टैंक है, यहाँ पे इंजन ऑयल डालने के लिए अलग कंपार्टमेंट दिया हुआ है होंडा GX 2535 में, पीछे जो पंप है 18 mm प्लंजर शाफ्ट, उधर गियर बॉक्स है, वहाँ पे गियर ऑयल डालते हैं, यूज़र मैनुअल है, ये गारंटी वारंटी कार्ड है, ये फ्यूल बॉक्स है, बैटल होज डिलीवरी होज, गन, स्पैनर्स, एक्स्ट्रा W4 W6 गन वॉशर्स, वी सील 18 mm और ओ रिंग पीछे के पंप के लिए, होज पाइप का एक एंड जो है वो पीछे जो पंप है ब्रास निपल जहाँ डिलीवरी रहती है, ये डिलीवरी होज वहाँ पे पूरी तरह अच्छे से ब्रास निपल को टाइट करना है। अगर आपके पास में टूल किट का जो स्पैनर है वो स्पैनर के हिसाब से आप टाइट कर सकते हैं उसको, ताकि लीकेज ना हो। एक दूसरा जो एंड है वो गन के ब्रास वाई के यहाँ पे जॉइंट करना होता है, पीछे गन का जो हैंडल है वो हैंडल रोटेट करके उसको लगाना है, वो देख भी अच्छी तरह से आप टाइट कर ले, जैसे यूज़र मैनुअल के हिसाब से ऑयल के इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं होंडा GX 2535, तो इंजन ऑयल उसको जो रेगुलर वाला जो है वो 80 ml इंजन ऑयल डालना है, 80 ml डालना है, ऑयल को डालते समय आप फनेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयल पूरी तरह डालने के बाद में 80 ml ऑयल डालने के बाद आपको वहाँ पे दिखाई देगा, कैप अच्छी तरह से टाइट करना है, फ्यूल टैंक में पेट्रोल डालना है, वाटर टैंक में आप पानी डाल सकते हैं जो केमिकल रहेगा, जो दवाई छिड़कनी है उसका अच्छे तरह से आप मिला के उसके बाद में ही आपको डालना है, फिल्टर का यूज़ करना है ताकि कोई भी जम और कचरा वॉल्स के थ्रू गन के अंदर जाके ना फंसे, कार्बोरेटर को चोक दिया हुआ है, स्टॉप स्विच है, रिलीफ कंट्रोल वॉल है यहाँ पे, और वो देख लीजिए वो आपके प्रेशर के हिसाब से उसके ऊपर मेंशन किया हुआ है हाई लो, रिकॉइल स्टार्टर का नीचे कार्बोरेटर डायफ्राम वाला है तो इसे आप पंपिंग करना पड़ेगा, तो वो हिसाब से आप 2 से 4 बार पंप करेंगे, उसके बाद MT 2 to 3 रस्सी मार के चोक ओपन करने के बाद इंजन चालू होता है, अगेन ये करके उसे एक्सेलरेशन का थ्रू कंट्रोल करना है, पीछे जो पंप दिया हुआ है 18 mm वहाँ पे
ग्रीस कप रहते हैं, वो ग्रीस के कप के अंदर ग्रीस होता है ताकि लुब्रिकेशन में आसानी हो। वो दो से एक दो थ्रेड टाइट करने पड़ेंगे बिफोर चलाने के पहले। और ये इस तरह आप पीछे बैक माउंट में बेल्ट लगा के स्प्रेइंग के लिए, स्प्रेयर रेडी हो चुका है। आप पीछे वाले हैंडल से आपको जैसे लॉन्ग लेंथ का स्प्रे चाहिए, शॉर्ट चाहिए, वी चाहिए, कोन शेप चाहिए, वो गन में वहाँ एडजस्टमेंट दिया हुआ होता है। पीछे ये एक्सेलेटर लीवर है, ये इसे कम ज़्यादा स्पीड कर सकते हैं आप।